हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हम क्लास सेवन का साइंस में चैप्टर सिक्स देखेंगे, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होता है। फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो शेप होता है, उसका साइज होता है, कलर होता है, या फिर किसी भी सब्सटेंस का क्या स्टेट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होता है। नेक्स्ट है फिज़िकल चेंज, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। वैसा चेंज जिसके चलते जो सब्सटेंस है उसमें कुछ उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई चेंज आता है, तो वैसे चेंज को हम लोग फिज़िकल चेंज बोलते हैं। ए फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, कोई भी अगर फिज़िकल चेंज होगा तो वो जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम लोग फिर से उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, अगर फिज़िकल चेंज होगा तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, एग्जाम्पल मेल्टिंग एन आइस क्यूब, ब्रेकिंग ग्लास, क्रशिंग ए कैन, चॉपिंग वुड एक्सेट्रा। अगर आइस क्यूब है, एग्जाम्पल देखेंगे आइस क्यूब है, अगर वो मेल्ट हो रहा है तो उसको हम फिर से उसको जमा सकते हैं, फिर से उसको हम इवापोरेशन के थ्रू फिर से उसको ये गैसेस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जो चेंज होता है जिससे हम लोग को जो रिवर्स हम लोग कर सकें, जैसे सॉलिड है तो उससे लिक्विड बना सके, फिर लिक्विड से हम लोग सॉलिड बना सके, ये सब जो प्रोसेस है जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं आए, इस तरह का जो चेंजेस होता है उसको फिज़िकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज, Mg+O2, जिससे हमें मैग्नीशियम MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज, जब हम लोग इसमें है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, ये हमें देता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है हम लोग जानते हैं कि ब्लू कलर का होता है, और उसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे आयरन के साथ तो फिर हम लोग को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लस उसमें कॉपर जो रहेगा वो अलग होगा और कॉपर के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है विनेगर एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस विनेगर। अब हम लोग देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन प्लस ओ टू प्लस वाटर गिव्स रस्ट ऑफ आयरन Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, हम लोग जानते हैं कि लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, द एक प्रोसेस है जिसमें कि आयरन के ऊपर जिंक का लेयर डिपॉजिट किया जाता है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि हमारे घर में जो आयरन पाइप्स होती है जिसको कि हम लोग वाटर को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, बोरिंग वगैरह में जो यूज़ होता है वो सब गैल्वेनाइज्ड होता है ताकि उसमें रस्ट ना लग सके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक निकेल, क्रोमियम एंड मैगनीज, इट डज नॉट रस्ट। हम लोग जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील का हम लोग बहुत सारे बर्तन वगैरह घर में यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे जैसे गैस चूल्हा वगैरह यूज़ होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील है क्या, इसमें कार्बन में आयरन के साथ कार्बन और बहुत सारा मेटल जैसे कि निकेल, क्रोमियम, मैग्नीस, ये सब मिलाया जाता है ताकि उसमें रस्ट ना लगे। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन, सब सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेंड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कि हम लोग उसका प्योर स्टेट में हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं
फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो उससे हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी करे है उन तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।